बहुत सारी कंट्रीज ने बहुत मुश्किल कर दिया है कि कंपनीज ऑफर करें वीज़ा स्पॉन्सरशिप या वीज़ा फ्रॉम अब्रॉड टू इंडिया, लाइक इंडिया से अगर आपको जॉब चाहिए, वेयर एज जर्मनी ने बहुत ही ज़्यादा सिंपल कर दिया है। ऐसे में आपको कौन से वीज़ाज जो है वो अप्लाई करने चाहिए, आज हम इस वीडियो में वही बात करेंगे। 2024 में कौन कौन से ऐसे वीज़ा हैं जो आपके लिए हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप कर सकते हैं उन वीज़ा पे, आज उसी के बारे में बात करेंगे। एक वीडियो मैंने कुछ टाइम पहले बताया था जिसमें कि जो इन्फॉर्मेशन है वो अब अपडेटेड हो गई है, तो ये वीडियो जो है वो 2024 में कौन कौन से वीज़ाज पे आप यहाँ पर जर्मनी में आ सकते हैं उसी के बारे में बात करेंगे। मैं हूँ सुरभि और वेलकम टू इंडियन गर्ल इन यूरोप। इसमें हम बहुत सारे वीज़ाज के बारे में बात करते हैं, आपको हेल्प करते हैं बेसिकली अगर आपको यूरोप में मूव करना है। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे हुए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं और एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है एंड ऑफ द वीडियो जिसमें आपके लिए एक सरप्राइज है, तो वीडियो एंड तक देखना और उस पर कमेंट करना वेदर यू आर इंटरेस्टेड और नॉट। ये वीडियो जो है वो मैंने अलग अलग प्रोफेशन बेसिस पर जो है वो कैटेगराइज किया है। तो अगर आप हाईली स्किल्ड पर्सन है, आपके पास डिग्री है, क्वालिफाइड डिग्री है, तो उसके लिए कौन से वीज़ाज हैं जिस पे आप अप्लाई कर सकते हो वो। द सेकेंड इज यंग प्रोफेशंस, अगर आप यंग हैं और आप जर्मनी मूव करना चाहते हैं तो आपके लिए कितनी सारी अपॉर्चुनिटी है, कौन से वीज़ाज पे आप यहाँ पर आ सकते हैं वो। द थर्ड कैटेगरी इज़ अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं जर्मनी में, उसके कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो। अगर आपको अपने स्किल्स को बढ़ाना है, आपको एजुकेशन करनी है, एजुकेशन करने के बाद यहाँ पर जॉब करना है, उसके लिए कौन से वीज़ाज हैं वो। अदर कोई कैटेगरी है जैसे आर्टिस्ट के लिए, कल्चरल कोई सी चीज़ है, साइंटिस्ट के लिए, उसके लिए कौन से वीज़ाज हैं वो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगराइज किया गया है। लास्ट वीज़ा ऐसा है जो सभी के लिए है, चाहे आप एक आईटी प्रोफेशनल हो, चाहे आप एक इलेक्ट्रीशियन हो, उसके लिए है। तो वीडियो में जो लास्ट वीज़ा है वो ज़रूर देखना क्योंकि वो आपके अपॉर्चुनिटी जो है वो आपके जो दरवाजे हैं वो खोल देगा जर्मनी आने के। सबसे पहले बात करते हैं हम यंग प्रोफेशनल की। सबसे पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड बता देती हूँ क्यों जर्मनी जो है वो आप लोगों को वेलकम कर रहा है कि आप यहाँ पर आओ और काम करो या फिर स्टडी करो। द रीज़न इज़ यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड जनरेशन के लोग हैं, ओल्ड एज पीपल हैं, इसकी वजह से यहाँ पर यंग लोगों की जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप यंग हैं, क्वालिफाइड हैं और आपको यहाँ पर इनफैक्ट ट्रेनिंग करनी है, स्टडी करनी है, तो जर्मनी जो है वो आप लोगों के लिए ओपन दोनों हाथों से बोलेगा कि प्लीज़ यहाँ पर आ जाओ और हमारे यहाँ काम करो या हमारे यहाँ स्टडी करो या हमारे यहाँ ट्रेनिंग करो या हमारे यहाँ शेफ़ बन जाओ या हमारे यहाँ नर्स बन जाओ, क्योंकि हमें अपनी इकोनॉमी भी बढ़ानी है, प्लस आप जो है वो इसके भागीदार बनोगे अगर आप यहाँ पर काम करोगे। तो इसी का रीज़न है जो ये यंग प्रोफेशनल वाले जो वीज़ाज़ होते हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपके पास एक बहुत लंबा टाइम है जिसमें आप यहाँ पर एक्चुअली अप्लाई कर सकते हो, रह सकते हो, फिर अगर आपको अच्छा लगे तो ऑफ कोर्स आप दूसरी चीज़ें भी कर सकते हो, दूसरी ट्रेनिंग्स कर सकते हो, एजुकेशन कर सकते हो, या फिर अगर आप काम ही कर रहे हो तो काम में भी आप जो है वो बहुत ज़्यादा स्किल्स जो है वो डेवलप कर सकते हो, एक्सपीरियंस जो है वो डेवलप कर सकते हो। तो इन शॉर्ट अगर आप यंग हो तो आपके लिए बहुत सारा टाइम, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी और बहुत सारे वीज़ाज जो हैं वो आप लोगों के लिए। इन्हीं में से कुछ वीज़ाज की हम बात करते हैं। तो सबसे पहला वीज़ा जो है वो तो है स्टडी वीज़ा। स्टडी वीज़ा में आपको कोई भी बैचलर प्रोग्राम करना है, मास्टर्स प्रोग्राम करना है, वो आप अप्लाई कर सकते हो और आपको ईजिली मिल सकता है स्टडी वीज़ा। कुछ वीडियोस मैंने लास्ट टू वीडियोस बनाए हैं वो आप देख सकते हो, उसमें डिटेल्स मैंने बताया है कि आप कैसे वो स्टडी वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड इज ओपेयर वीज़ा। ओपेयर वीज़ा एक्चुअली बहुत ही यंग लोगों के लिए है जो कि सिर्फ अभी 12th ही पास किए हुए हैं और उन्हें यहाँ पर आना है या 10th ही पास किए हैं यहाँ पर आना है,
तो वो यहाँ पर आ सकते हैं, बट कोई फैमिली को यहाँ पर उन्हें स्पॉन्सर करना पड़ेगा और वो यहाँ पर आके रह सकते हैं। डिसेंट अमाउंट उन्हें मिलेगा, यहाँ पर रहो और आगे की जो एजुकेशन होगी वो भी आपको गवर्नमेंट हेल्प करेगा कि आप आगे की एजुकेशन करो, चाहे आपको ग्रेजुएशन करना हो या फिर आपको कुछ भी चीज़ें सीखनी हो, ट्रेनिंग करनी हो, वो सब चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगी। ओपेयर वीज़ा का भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसकी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। इसके अलावा एक वीज़ा होता है जो शेफ्स के लिए होता है। अगर आप शेफ हो और अगर आपको प्रोसेस पता है कि यहाँ कैसे आना है, अगर नहीं भी पता है तो कुछ वीडियोस मैंने बनाए थे, तो वो शेफ़ वीज़ा जो होता है उसमें आप यहाँ आ सकते हो, 4 साल के लिए यहाँ पर रह सकते हो और यहाँ अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो, क्योंकि सैलरीज जो होती हैं शेफ़ की वो काफ़ी अच्छी होती हैं, वो कमा सकते हो और यहाँ पर रह सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स होते हैं, या अगर आपका डिफरेंट कैटेगरी में जो है स्पेशलाइजेशन है तो आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। प्रोसेस क्या है उसको देखने के लिए आप दूसरे वीडियोस प्लीज़ रेफ़र करो। द अदर थिंग इज़ ट्रेनिंग या इंटर्नशिप वीज़ा। अगर आपको ट्रेनिंग करनी है या इंटर्नशिप करनी है, आप यंग हो, आपके पास एक क्वालिफाइड डिग्री है और आपको यहाँ पर आकर कॉन्ट्रीब्यूशन करना है, या डिग्री आपके पास जो है उसके स्किल्स जो भी हैं वो आपको अपना खुद का भी स्किल्स बढ़ाना है प्लस कंपनीज की भी हेल्प करनी है, तो ये वाला जो वीज़ा है ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, कुछ ही डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं जिस वीज़ा पे यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, वो है यंग प्रोफेशनल या एक्सपीरियंस जिन लोगों के पास है उन लोगों का वीज़ा, जो कि ऑफकोर्स जर्मनी जो है वो दोनों हाथों से आपको वेलकम कर रहा है, क्योंकि आपके पास ऐसी स्किल्स है जो यहाँ के लोगों के पास नहीं है। आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, आप आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से हो, एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से हो, साइंस से हो, अगर आप डॉक्टर हो, ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए है, ये वीज़ाज आप अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहला जो है वो EU ब्लू कार्ड वीज़ा है, जिस वीज़ा पे मेरे हस्बैंड भी यहाँ पर आए थे और बहुत सारे जो प्रोफेशंस होते हैं या एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं वो यहाँ पर इस वीज़ा पे आते हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ ये एक स्किल्ड वीज़ा होता है, लाइक अगर आपके पास यूनिवर्सिटी डिग्री है तो आपको ये वीज़ा मिलता है। ऑफकोर्स अभी जो है वो कुछ चीज़ें चेंजेस हुई हैं, जैसे अगर आपके पास डिग्री ना हो तो भी आपको EU ब्लू कार्ड मिल जाएगा, प्लस जो सैलरी है वो भी कम हो गई है। तो हाँ, EU ब्लू कार्ड में जो सैलरीज होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं, मतलब एवरेज सैलरीज से काफ़ी अच्छी होती हैं। और इस वीज़ा पे आप अपने स्पाउस को, अपने चिल्ड्रंस को भी यहाँ पर ला सकते हो, आपका स्पाउस भी यहाँ पर काम कर सकते हैं, प्लस आपको एक अच्छी सैलरी मिलेगी। आप एक्सपीरियंस के बेसिस पर आओगे तो आप एक स्किल लेबर कहलाओगे और आपकी यहाँ की जो जर्नी है वो ईजी हो जाती है अगर आप इस वीज़ा पे आते हो। डिटेल के लिए ऑफकोर्स एक वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हो। द अदर वीज़ा इज़ जॉब सर्च वीज़ा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जॉब नहीं मिल रही है और आपको EU ब्लू कार्ड वीज़ा नहीं मिल रहा है, तो दूसरा ऑप्शन आप लोगों के लिए ये है कि आप जॉब सर्च वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हो। जॉब सर्च वीज़ा जो है वो कोई भी अप्लाई कर सकता है अगर आपके पास एक रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, एक रेलेवेंट प्रोफेशनल डिग्री है और एक्सपीरियंस है, इसके बेसिस पर आप जॉब सर्च वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। आप इस टाइम पे यहाँ पर 6 महीने के लिए रह सकते हो अगर आपका जॉब सर्च वीज़ा जो है वो अप्रूव हो गया। 6 महीने में आपको कुछ अमाउंट जो है यहाँ रहने के लाइक एक्सपेंसेस जो हैं वो दिखाने पड़ेंगे, वो दिखा दोगे। अगर आपके पास वो एक्सपेंसेस हैं, बैंक अकाउंट में इतना पैसा है, तो आप यहाँ रह के और काम कर सकते हो। बट जॉब सर्च वीज़ा आपको उसी केसेस पर अप्लाई करना चाहिए जब आपको कॉन्फिडेंस हो कि आप 6 महीने में यहाँ पर जॉब ढूंढ लो। बट इसका एक ऑल्टरनेटिव है, वो जो है वो लास्ट वीज़ा है जो सब लोगों के लिए, उसमें हम बात करेंगे। अब एक वीज़ा ये है गेस्ट साइंटिस्ट वीज़ा। इसमें अगर आप इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड साइंटिस्ट हैं तो ये वीज़ा अलाउ करता है कि आप यहाँ पर आकर किसी भी इंस्टीट्यूट में, रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर सकते हो या फिर यहाँ की जो जर्मन यूनिवर्सिटी है उसमें काम कर सकते हो। ये आपको एक रेलेवेंट टाइम का वीज़ा मिलेगा और आप यहाँ पर आकर आराम से गेन कर सकते हो डिफरेंट टाइप का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, प्लस आप रिसर्च भी करना चाहते हो तो उस टाइम पर आप वो भी कर सकते हो। तो ये वीज़ा उन लोगों के लिए जो एक्चुअली साइंटिस्ट हैं और वो यहाँ पर मूव करना चाहते हैं, यहाँ पर हेल्प करना चाहते हैं। एक्चुअली यू आर वेरी स्किल्ड, तो यू विल बी हेल्पिंग आउट यहाँ के जो स्टूडेंट्स होंगे, यहाँ के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होंगे उसके लिए। तो आप ये भी वीजा अप्लाई कर सकते हो अगर आप एक साइंटिस्ट हो, और वीजा का नाम है गेस्ट साइंटिस्ट वीजा। अब जो दो वीज़ाज हैं वो ऐसे वीज़ाज हैं कि अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप ये वीज़ाज अप्लाई कर सकते हो। द बेस्ट थिंग इज़ आप इस केसेस में जर्मनी में रह सकते हो
और यहाँ पर बिजनेस कर सकते हो या इन्वेस्ट कर सकते हो। तो पहला वीज़ा है इन्वेस्टर वीज़ा। इन्वेस्टर वीज़ा में आपको अराउंड 2 करोड़ लाइक 2,50,000 यूरोज जो है वो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और फिर आप यहाँ पर जो है वो एज ए इन्वेस्टर यहाँ पर रह सकते हो। और अगर आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है, आपको अपनी आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है वो दिखानी है, वो सारी चीज़ें केसेस में आप यहाँ पर रह सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए रह सकते हो। द अदर वीज़ा इज़ बिजनेस वीज़ा। ऑफकोर्स जैसा बोलते हैं बिजनेस वीज़ा, अगर आपको बिजनेस करना है यहाँ पर, उसके लिए भी आपको एक रेलेवेंट अमाउंट जो है वो दिखाना पड़ेगा, वो भी इसी के लगभग है। उसमें आप यहाँ पर कोई भी आपको बिजनेस करना है आप बिजनेस कर सकते हो और यहाँ पर रह सकते हो। तो ये जो वीज़ाज हैं, दो वीज़ाज हैं, वो उस चीज़ के लिए अगर आपको यहाँ पर अपना एम्पायर खड़ा करना है। द बेस्ट थिंग इस चीज़ में ये है कि अगर आपको एक्चुअली में इन्वेस्ट करना है जर्मनी में, तो ये राइट टाइम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बाहर के लोग जो हैं वो मूव कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं हैं, जैसे खाना, इंडियन खाना नहीं है, इंडियन गुड रेस्टोरेंट्स नहीं है, या फिर हम बात करें इंडिया से रिलेटेड कुछ भी, जैसे कपड़े जो इंडियन एथनिक वेयर हैं वो नहीं है। तो इस तरीके के अगर आपको यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करना है तो ऑफकोर्स आपको करना चाहिए, अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो, क्योंकि एक तो आपके लिए डोर्स ओपन हो जाएंगे यहाँ पर रहने के लिए, प्लस आप यहाँ पर कमा भी बहुत सकते हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिटेबल रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो रिक्वायरमेंट डे बाय डे जो है वो बढ़ती जा रही है। ऑफकोर्स आप डेटा रिसर्च कर सकते हो कि यहाँ पर इंडियंस कितने हैं, कितने आगे आएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी अगर आप भी इस वीज़ा के लिए इंटरेस्टेड हो तो मैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में देखना चाहूँगी कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। अब हम कुछ वीज़ाज के बारे में बात करेंगे जिसमें आप लोगों को इंटरेस्ट है अगर जर्मनी में रहने का, यूरोप में घूमने का, तो ये वीज़ा जो है वो आप लोगों के लिए है। एक वीज़ा जो है वो है वॉलंटियर वीज़ा। वॉलंटियर वीज़ा में अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो आप उनके साथ यहाँ पर काम कर सकते हो और आपको 6 महीने का वीज़ा मिलेगा। द बेस्ट थिंग इज़ कि आपको एक डिफरेंट तरीके का एक्सपोज़र मिलेगा इसमें, और आप एक गुड कॉस्ट के लिए जो है वो काम करोगे। ऑफकोर्स कंपनी जो है या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं होगी, पर आपके लिए जो है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, प्लस आप एक डिसेंट अमाउंट जो है वो भी यहाँ पर अर्न कर सकते हो उस टाइम पर जब आप इनके साथ काम करो। ये वीज़ा जो होता है ये 6 मंथ्स का होता है। जो नेक्स्ट वीज़ा है वो है कल्चरल आर्टिस्ट वीज़ा, जो कि है 3 इयर्स के लिए। अगर आप एक्चुअली में आर्टिस्ट हो और आपको एक डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस गेन करना है यहाँ पर रह के काम करके, तो आपको 3 साल का वीज़ा मिल सकता है। आप ये वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो। दिस इज़ आल्सो अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी अगर आप कल्चरल फील्ड में हो या आर्टिस्टिक फील्ड में हो, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। इसके अलावा जो मैंने आपको बोला था जो कि लास्ट वीज़ा है उसके बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले हम बात करेंगे जो लॉन्ग टर्म वीज़ा है और शॉर्ट टर्म वीज़ा है। अभी मैंने सारे वीज़ा के बारे में बात करी, इसमें से जो लॉन्ग टर्म वीज़ाज हैं वो जैसे EU ब्लू कार्ड वीज़ा हो गया, जो कि एक्सपीरियंस लोगों के लिए होता है EU ब्लू कार्ड वीज़ा। स्टडी वीज़ा जो होता है वो लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है, क्योंकि स्टडी करने के बाद भी आपको 14 मंथ्स का टाइम मिलता है जब आप जॉब सर्च कर सकते हो, इंटर्नशिप कर सकते हो और बेसिकली आप काम कर सकते हो और आपको वर्क परमिट मिल जाता है, तो वो भी एक लॉन्ग टर्म वीज़ा में ही कंसीडर करा जाता है। ट्रेनिंग और इंटर्नशिप वीज़ा भी बिकॉज यंग प्रोफेशन के लिए है तो ये लॉन्ग टर्म वीज़ा है। शेफ भी 4 साल का है तो लॉन्ग टर्म वीज़ा है। ओपेयर वीज़ा जो है वो भी लॉन्ग टर्म वीज़ा है, क्योंकि आप बेसिकली यहाँ पर अपना करियर इस्टेब्लिश कर सकते हो उस वीज़ा से। इसके अलावा जो बिजनेस इन्वेस्टर वीज़ा है दैट कैन ऑल्सो बी अ लॉन्ग टर्म वीज़ा। और जो शॉर्ट टर्म वीज़ा है जैसे जॉब सर्च वीज़ा हो गया, ठीक है, अगर आप एक ट्रेनिंग कर रहे हो जो सिर्फ 6 मंथ्स की है, या फिर लैंग्वेज कोर्स कर रहे हो जो 6 मंथ्स या 1 ईयर का है, तो वो भी जो है वो एक शॉर्ट टर्म वीज़ा कहलाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें और दूसरे वीज़ास की जो कि लिस्ट यहाँ पर है, वो भी सारे जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म वीज़ा होते हैं। जैसे बिजनेस वीज़ा अगर आप बिजनेस पर्पस से यहाँ पर आ रहे हो जो कि 6 महीने का होता है, ट्रैवल वीज़ा पे आ रहे हो जो कि 6 महीने के लिए होता है। तो एक जनरल फ्रेमवर्क, अगर आपको यहाँ पर काम मिलता है, स्टडी कर रहे हो, आपकी सैलरीज अच्छी हैं, आपको लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो आपको एक लॉन्ग टर्म वीज़ा मिलेगा। वेयर एज अगर ऐसी चीज़ें जैसे जॉब सर्च के लिए आप यहाँ पर आ रहे हो, आपके पास एक काम नहीं है जिसको आप करोगे लॉन्ग टर्म के लिए, या ट्रेनिंग करने के लिए आ रहे हो, छोटी वॉलंटियर वर्क के लिए आ रहे हो,
उसके लिए आप शॉर्ट टर्म वीज़ाज मिलेंगे, तो जस्ट अ जनरल फ्रेमवर्क। अब हम आते हैं एक वो वीज़ा के लिए जिसमें आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हो। द बेस्ट थिंग इज़ गवर्नमेंट आप लोगों के लिए ईजी कर रही है, इस तरीके के अपॉर्चुनिटीज़ निकाल रही है ताकि आप यहाँ पर आओ, चाहे आप एक नर्स हो, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, या फिर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो, हाईली क्वालिफाइड पर्सन हो। ये वीज़ा जो है वो है अपॉर्चुनिटी कार्ड, जो कि बेसिकली 2024 बिगनिंग से जो है स्टार्ट होगा। इसके बारे में डिटेल वीडियो जो है वो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, जिसमें हमने सबको आपको एक्सप्लेन किया था। बट बेसिकली आपको कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आपको वो देखना है कि वो सारे पॉइंट्स कौन से हैं, आपको कौन सी स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव करनी है, कौन सी नहीं करनी है। अगर आप यंग हैं तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा है, यंग नहीं भी हैं और आप दूसरे जो पॉइंट्स है वो बोलते हो कि हाँ ये मेरे पास तो है स्किल्स, तो आपका जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। अपॉर्चुनिटी कार्ड जो है वो सबके लिए है। जर्मन सीखना कुछ केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सीखो। ये जो वीज़ा है, ये इसकी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। हर वीडियो में मैं ये वीज़ा के लिए बारे में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये आप लोगों के लिए एक्चुअली में हेल्प करेगा अगर आपको यहाँ पर आना है तो। और बाकी वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा वो ज़रूर कमेंट करना। अब जो मैंने आपको बोला था एक बिग अपडेट, वो ये है कि हम लोग इंडिया आ रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में हम मीटअप्स अरेंज करेंगे बेंगलोर में, दिल्ली में और भोपाल में। जहाँ पर भी लोग, आप लोग जो है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे आने के लिए, लाइक किस लोकेशन पे, वहाँ पर हमें मीटअप करना है, वेन्यू डिसाइड करना है। और अगर आपको हमारी हेल्प करनी है वीडियोस में या फिर वॉलंटियर करना है काम को, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना या फिर ईमेल कर सकते हो। ईमेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप लोगों से मिलने के लिए। बेसिकली इस मीटअप में हम लोग आपको हेल्प करेंगे। अगर आप कहीं पर भी स्टक हो गए हो, अगर आप जर्मनी आना चाहते हो स्टडी के लिए, जॉब्स के लिए, तो हम आपको हेल्प करेंगे। हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि आप कहाँ पर स्टक हो रहे हो। ये एकदम फ्री जो है मीटअप्स होगा, तो प्लीज़ आप इस पे रजिस्टर भी कर सकते हैं। रजिस्टर लिंक बहुत जल्दी हम जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। और अभी हम कमेंट सेक्शन पे जानना चाहते हैं कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, अगर हो तो किस लोकेशन के लिए इंटरेस्टेड हो। बाकी ये थे सारे वीज़ा जिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। आपके इंडिविजुअल जो भी आपका काम का हो वो अप्लाई कर सकते हो। डिटेल्स ऑफकोर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, कहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, कहाँ पर और इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, वो सारी चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी शॉर्ट वीडियोस हम लोग बनाते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, जिसमें हम लोग बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हो हमारे इंस्टाग्राम इंडियन गर्ल इन यूरोप में। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इसमें बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आने वाली है। प्लस आप भी अगर मीटअप में आओगे तो आपको भी हम लोग फीचर करेंगे अपने चैनल पे। तो जल्दी से आप कमेंट करो कितने इंटरेस्टेड हो, और लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको यहीं पर आना पड़ेगा। बाय बाय।